पवन सिंह के साली को लग गया मिर्ची। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा एक न्यूज वाली है जो कि इस समय पवन सिंह का खूब ज़्यादा बुराई कर रही है, क्योंकि पवन सिंह ने इसको अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, ना तो पवन सिंह इसको इंटरव्यू दिया और इसीलिए इसको लग गया है मिर्ची और पवन सिंह का वोट काटने के चक्कर में लगी हुई है। और ये न्यूज वाली बोल रही है कि पवन सिंह अभी तलाक वापस नहीं लिए हैं, आगे चलकर ज्योति सिंह को पवन सिंह छोड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने तलाक वापस लिया है या नहीं लिया है तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू ज्योति सिंह से बात करती है और ज्योति सिंह को तुम बहन मानती हो, तुम अपने बहन से जाकर बोलो कि पवन सिंह का चुनाव प्रचार मत करो, नहीं तो आगे जाकर पवन सिंह तुझे छोड़ देगा। और देखते हैं देशवा न्यूज वाली का बात ज्योति सिंह मानती है या नहीं मानती है। और अब तुम्हारे पास हिम्मत है तो ज्योति सिंह का एक भी इंटरव्यू अपने चैनल पे कर दिखाओ। और यहाँ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको यानी देशवा न्यूज वाली को प्रॉब्लम है। और ज्योति सिंह इस समय काफी ज्यादा खुश हैं, अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और बात रही तलाक वापस लेने का, तो ये बात ज्योति सिंह को बोलना चाहिए या ज्योति सिंह के घर वाले को, लेकिन ज्योति सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्योति सिंह काफी ज्यादा खुश है और ज्योति सिंह के घर वाले भी खुश है। बस इसको मिर्ची ये लगा है कि पवन सिंह इसको चाटने के लिए कुछ नहीं दिए हैं, न तो इसको चुनाव प्रचार में बुलाए हैं। और अब पवन सिंह को ये जीजा भी नहीं बोल रही है, जो कि आप लोग इस वीडियो क्लिप में सुन सकते हैं। तो आपके भी जीजा हुए ना? नहीं। और 3-4 महीने पहले ये पवन सिंह को जीजा बोल रही थी, चलिए वो भी क्लिप आप सभी को सुना देता हूँ। और पवन सिंह की साली भी है, नई नई साली बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं पवन सिंह की नई साली इस समय काफी ज्यादा नाराज है पवन सिंह से, क्योंकि पवन सिंह ने इसको लॉलीपॉप नहीं दिया है चाटने के लिए। और अब ये न्यूज वाली यहीं पे नहीं रुक रही है, पवन खेसारी का पुराना विवाद उभार रही है। पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को पहले ऐसे बोला था, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को पहले वैसे बोल दिया था, और यही सब पुराना वीडियो दिखा रही है ताकि ये लोग आपस में लड़ जाएं और पवन सिंह को नुकसान हो। और कुल मिलाजुला कर इसका मकसद यही है कि पवन सिंह को चुनाव में नुकसान पहुंचाना। और इसको मैं बता देना चाहता हूं, पवन खेसारी के नफरत में भी प्यार है। हाँ, तो दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पवन सिंह और ज्योति सिंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही हो गया है, कोर्ट से भी सही हो गया है। और देशवा न्यूज वाली पूरी तरह से पगला गई है, कभी ज्योति सिंह को लेकर बोल रही है तो कभी खेसारी लाल यादव को लेकर बोल रही है। बाकी आगे भी बात किया जाएगा इसके बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।